नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रज किशोर। आज मैं आ चुका हूं विंध्य क्षेत्र में और मैं आपको विंध्य क्षेत्र में माँ विंध्याचल से जुड़ी हुई एक मैं आपको गुफा दिखाने जा रहा हूं, जो कि काली खो गुफा। माँ जब रक्त बीज का संहार करके इसी गुफा में छिपी थी, बैठी थी, तो एक ऐसी गुफा है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बड़ा सा काली खो गुफा का द्वार दिख रहा है, इसी द्वार के माध्यम से आपको काली खो गुफा तक लेकर जाऊँगा। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर गुफा तक जाने की रास्ता है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डिस्कवर ब्रज चैनल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टूरिज्म का यहाँ पे काली खो मंदिर का एक बैनर लगा हुआ है, और इस जगह पे अगर आप आना चाहते हैं तो यह विंध्याचल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पे यह स्थित है, और इसी के जस्ट बगल में ही यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पे आपको अष्टभुजा मंदिर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वह प्राचीन काली खो गुफा जहाँ पे माँ अभी भी विराजमान है, तो चलिए वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ महाकाली गुफा एरो बना हुआ है, और इधर आप देख सकते हैं माँ का महाकाली गुफा का ऊपर पे जाने का रास्ता है। बगल से ही आपको रास्ता मिलेगा, सीढ़ियों के माध्यम से मैं ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी जो पीछे देख रहे हैं यह एक पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पर कार बाइक जो भी होती है यहाँ पर लोग खड़ा करते हैं और यहाँ से प्रसाद भी लेकर माता को चढ़ाते हैं। तो चलिए वहाँ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो साथियों, माँ महाकाली गुफा के द्वार पे मैं खड़ा हूँ और यही सीढ़ी के माध्यम से आप माँ महाकाली गुफा अंडरग्राउंड प्लेस के अंदर मैं आपको लेकर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एरो भी बनाया गया है माँ काली गुफा द्वार, और इसी द्वार से मैं अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसी गुफा है। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और इस रहस्य पर्दाफाश करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जो अभी हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रवेश लिखा हुआ है, तो चलिए अंदर आ गए। यहाँ पे एक महाराज जी हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते। तो नमस्कार महाराज जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम है साधुराम। तो महाराज जी, ये किन की मूर्ति है बता दें? ये बाबा संकट मोचन हनुमान जी हैं, मैया के द्वारपाल हैं जी। पर प्रथम दर्शन इनका होने के बाद प्रणाम करके तब माई के यहाँ गुफा के अंदर प्रवेश किया जाता है। अच्छा, तो पहले इनको नमस्कार प्रणाम करने के बाद ही गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे, माता अंदर में है। तो चलिए दोस्तों, मैं मेन गुफा के अंदर आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप दर्शन कर लिए और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सकरा रास्ता है, इसी रास्ते के अंदर मैं जाता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी एक महाराज जी हैं, इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। नमस्कार महाराज जी, आप बताइए थोड़ा इस गुफा के बारे में। ये रक्त बीज का वध करके माने विराजमान हुई है गुफे में। जो गुस्सा जब शांत हुआ तो आई गुफे में, तो शंकर जी ने शांत कराए, इनका शांति रूप का दर्शन है। ये बहुत प्राचीन गुफा है, इनका दर्शन करने से हर कार्य आपका पूर्ण होता है। तो माँ जब रक्त बीज का संहार करने के बाद जब शंकर जी के ऊपर उनका पैर पड़ गया था, तो उनसे लज्जित होकर यहीं पे आकर के आशीर्वाद देते हुए शांत हुई। ये गुफा बहुत प्राचीन गुफा है, संत के समय का है, हम लोग नहीं बता पाएंगे, बहुत पुराना गुफा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, देखा आपने कि बहुत ही प्राचीन ये गुफा है, और जो कि महाराज जी भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितना प्राचीन ये गुफा है। और इधर बगल में भी आपको गुफा के अंदर ही आपको यहाँ पे भी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो महाराज जी नमस्कार, बताइए थोड़ा। ये माता ज्वाला देवी हैं, ये अखंड देवी महाकाली का जो कि 24 घंटा छठमरो निरंतर जलता रहता है। अच्छा, ये जो तो ये है, अच्छा जो ये ज्वाला जल रही है 24 घंटे, ये 24 घंटा निरंतर जलता है विंध्य पर्वत पे। ये महाकाली का अखंड देव छठ बहुत सालों से जल रहा होगा। ये अनादिकाल से हाँ। मतलब ज्योति इसकी बुझ नहीं रही है, कुछ नहीं बुझ रहा, हमेशा सदैव जलता रहता है ना, इसीलिए कहते हैं कि अखंड देव। अच्छा, अखंड दीप यहाँ पे जला हुआ है, इसी को कहते हैं अखंड दीप। अच्छा, तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं अखंड दीप जो कि मतलब अनादिकाल से यहाँ से जलाया जा रहा है, और ये माता ज्वाला है, इनका भी आप दर्शन कर लीजिए। तो चलिए इस गुफा के बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या है चीज़ें। ऐसे ही गुफा से बाहर निकले तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालु लोग हैं, इनसे कुछ पूछते हैं इस गुफा के बारे में। तो अपना परिचय दे के बताइए क्या आपका। हम लोग बनारस ले आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, बहुत नाम सुने हैं, इसीलिए हम लोग माता रानी से दर्शन करने के लिए आए हैं कि थोड़ा दर्शन कर ले
अब हम लोग विंध्याचल से आए हैं, यहाँ आए हैं, फिर जाएंगे अष्टभुजी और आप लोग को भी देख। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शांत वातावरण? हाँ, बहुत शांत, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माता रानी का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे। जय माता दी। तो चलिए साथियों, उनसे आप यहाँ के जो भी श्रद्धालु थे उनसे मैं आपको बताया बात करके कि यहाँ पे किस प्रकार का माहौल है, कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोगों ने यहाँ पे चुनरी चढ़ाई हुई है। इसके बारे में भी कुछ महत्व है, इसके बारे में कुछ जानकारी है जो कि यहाँ के बैठे हैं महाराज जी, इनसे लेकर मैं आपको बताता हूँ। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका परिचय? तो ये महाराज जी नहीं बोल पाए। विंध्याचल से चलते हुए जब यहाँ पे आते हैं, यह माता मनसा देवी हैं जी। यहाँ पे चुनरिया बांधी जाती है, चुनरी बांधा जाता है, हर कार्य आपको पूरा होता है। अच्छा, जो भी कोई कामना होता है, कामना लेके आते हैं, उनका कामना पूरा होता है। देखिए सारी चुनरी बांधी गई है, जो है यहाँ पे खोली गई है, सब मन्नत के लिए देखिए लिखा गया है, सब मनोकामना के लिए बंधन। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं असंख्य संख्या में यहाँ पे चुनरी का जो भी गठबंधन है, यानी कि बांध कर यहाँ पे देख सकते लटकाया गया है। लोगों का यहाँ मानना है कि यहाँ पे जो भी अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी चीज़ मांगते हैं और यहाँ पे चुनरी को अर्पित करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं दीवार पे भी मन्नत की चुनरी यहाँ पे बांधी या खोली जाती है। तो दोस्तों यही है माँ काली का गुफा, और इसी के जस्ट बगल में आपको काल भैरव की गुफा देखने को मिलेगी। तो चलिए वहाँ पे भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों काल भैरव गुफा के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के यहाँ पे भी एक प्रतिमा है, पता नहीं क्या है इनके अंदर। महाराज जी होगा, उनसे बात करके मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए काल भैरव गुफा के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं प्रवेश कर दिया। महाराज जी तो नहीं है लेकिन काल भैरव की यहाँ पे प्रतिमा है, इनको मैं प्रणाम करके और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मानना है कि जब आप महाकाली गुफा का दर्शन करने के बाद अगर यहाँ पे काल भैरव का गुफा का दर्शन नहीं करते हैं, काल भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं, तो आपकी दर्शन पूरा नहीं माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। ऐसे ही चलिए एक ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।